इस वक्त खबर आ रही बुलंदशहर से, जहां पर 45 जमातियों को पुलिस ने जेल में भेज दिया, क्योंकि 14 दिनों का क्वारंटीन उन्हें किया गया था और उसके बाद में जब क्वारंटीन की अवधि को पूरा किया उसके बाद में पुलिस ने उनको स्थायी जेल में भेज दिया है। कहा यह जा रहा है कि लॉकडाउन के उल्लंघन करने के आरोप में पहले इनको ठीक किया गया, 14 दिनों के क्वारंटाइन किया गया और उसके बाद में जब अवधि पूरी होगी उसके बाद में इनकी गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि 45 में से करीब 16 ऐसे जमाती हैं जो कि विदेश के हैं और SSP बुलंदशहर ने इनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है, क्योंकि सरकार सख्त है, पुलिस प्रशासन सख्त है और जिन लोगों ने भी किसी भी वक्त लॉकडाउन का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ में सख्ती बरती जा रही है, चाहे वो क्वारंटाइन को पूरा करें या फिर वो स्वस्थ होकर के घर पहुंचे। अगर कोई शख्स मरीज भी रहा है, संक्रमित भी रहा है कोरोना की वजह से, उस वक्त तक उसे उसके खिलाफ में किसी तरह की कोई कार्रवाई तो नहीं बनती है, लेकिन जैसे ही वो शख्स ठीक हो रहा है उसके बाद में उसे गिरफ्तार करके जेल भेजने की प्रक्रिया भी अब अपनाई जा रही है।